ओके, नाउ द सेकंड सोर्सेज आर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच हैज बीन एक्सकेवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग्स, टेम्पल्स एंड ऑल द डिटेल्स. मतलब कि वो सोर्सेज जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा यानी पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा जमीन से खोदकर ही निकाली जाती हैं, ठीक है, इसकी स्टडीज को आर्कियोलॉजी कहा जाता है और इन स्टडीज करने वालों को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है. इसमें आते हैं हमारे कुछ सोर्सेज. पहला इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या है? रिटन ऑन हार्ड सर्फेस, जो सख्त सर्फेसिस यानी कि सख्त सतह पे लिखी जाती है, जैसे कि मेटल्स पे इंग्रेव रहता है, वुड लकड़ी पे, रॉक पत्थरों पे एंड स्टोन्स पेबल्स वगैरह पे. इट स्टडीज कॉल्ड एपिग्राफी. इनकी स्टडीज को एपिग्राफी कहा जाता है. देन मेटल इंस्क्रिप्शंस. मेटल्स यानी धातु की इंस्क्रिप्शन है, धातु पे जो चीजें लिखाई की जाती है वो उनमें से कुछ आते हैं कॉइंस. कॉइंस हमें डेट शो करती हैं और इट शोज द एरा और द पीरियड ऑफ द रूलर्स. रूलर्स जो रूलर्स जो शासक उस समय राज करते थे, अगर उनका डेट उसमें मौजूद होता था तो वो डेट शो किया जाता था. कई जगह पे कई कॉइंस अगर हम लोग देखें अपने इंडियन करेंसी में, उसके नीचे सबसे लास्ट में लिखा रहता है कि किस डेट पे ये इश्यू हुआ है, राइट, 1995, 1985, 2001, 2015. उसी तरह से पहले समय जितने भी राजा महाराजा कॉइंस बनाते थे उनके या तो फोटोज में उनकी पिक्चर्स इमेजेस इंग्रेव रहती थी या उनके डेट्स लिखे रहते थे. जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि राम जी के समय का, श्री रामचंद्र के समय का जो स्वर्ण मुद्रा राम मुद्रा कही जाती थी, अयोध्या के खुदाई में पाए गए थे, उसके इंस्क्रिप्शंस भी रखे गए इन द फॉर्म ऑफ कॉइंस. सेकंड आता है टेंपल्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में टेंपल्स बहुत है. टेंपल्स शोज द स्टाइल, द आर्किटेक्चर, द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ दैट रूलर. एक टेंपल्स किसी भी राजा के समय का शासन बता सकता है कितना इकोनॉमिकली वो मजबूत है. उसके टेंपल्स या मॉस्क की बनावट को देख करके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि टेंपल्स ट्रायंगुलर शेप में भी रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी रहे हैं. सन टेंपल ऑफ कोणार्क का नाम आप लोगों ने सुना है, भुवनेश्वर टेंपल का नाम सुना है. उसी तरह अलग अलग समय में अलग अलग शासक ने अपने समय में टेंपल्स बनाए. उसकी टॉप, उसकी हिल टॉप आकार जो टेंपल्स का रहा है ट्रायंगुलर शेप में, या मॉस्क रहा है मस्जिदों में, तो वो सब भी जो ओवल शेप लिए हुए हैं, जितने मजबूती के साथ आज भी रखे हुए हैं. आपका दिल्ली का जामा मस्जिद इसका एक एग्जांपल है, सबसे बड़ा, जो कि अकबर के समय में था. ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आते हैं. नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स. राजाओं के जो पैलेसेस, जो उनके गार्डन्स, वो जितनी भी चीजें उन्होंने बनवाई थी उस समय लोगों के प्रोग्रेस के लिए, जो उन्होंने रैन बसेरा वगैरह बनवाया, बिल्डिंग्स बनवाए, इंस बनवाए, वो उनके पावर्स, उनके रूलिंग स्टाइल को बताता है. इससे पता चलता है कौन राजा किस उस समय कितने इकोनॉमिकली मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था, साथ ही साथ वो कितना एक्सपेंस करता था और कौन अपने पब्लिक का, अपने लोगों का इकोनॉमिकली ख्याल रखता था. लास्ट में आती है पेंटिंग्स. पेंटिंग शो द स्टाइल ऑफ आर्ट. कलर, हर कलर उस समय अलग अलग तरीके से बनाए जाते थे पेंटिंग्स में, और कोई कोई पेंटिंग्स में तो एकदम रियल लाइफ पेंटर्स ने शो किया है, जैसे कि अकबर की कोर्ट का जो मिनिएचर पेंटिंग्स है वो भी एक आर्ट है. उसमें शो किया गया कि अकबर अपने कोर्ट में किस तरह से पोजिशन लेकर बैठे थे, उनके पूरे दरबारी कैसे, उनके जितने कोर्टियार्ड्स थे, कोर्टियार्ड यानी दरबारी, कैसे उनके अगल बगल बैठे रहते थे और वो जनता दरबार लगाते थे तो सुना करते थे. या पेंटिंग्स में कई जगह दिखाया गया राजा महाराजा उस समय कैसे शिकार खेलते थे, दे आर हंटिंग, दे आर किलिंग द एनिमल्स. ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें बताती हैं उस समय के राजा के शासन और कल्चर के बारे में. इट शोज द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ड्यूरेशन ऑफ दैट पीरियड. ओके, फॉर टुडे दिस चैप्टर इज ओवर.
If you have any suggestion, if you have any doubts, you can ask on the group with the message. Thank you.